हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज जो है हम शाम को बाहर आए हैं। पूरे दिन से जो है आर्या को मैं लेके नीचे आई ही नहीं, क्योंकि आर्या जो है थोड़ी सी बीमार थी। हालांकि उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम नहीं थी, वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी, लेकिन थोड़े दिन से वो थोड़ी सी जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था। हालांकि वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत छोटी है और इस तरीके से बता नहीं सकती कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आज हमने उसको स्कूल नहीं भेजा ताकि उसको जो है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वो घर पे ही रही और अब वो अच्छा महसूस कर रही है। देखिए मेरे पीछे ही बैठी है, अच्छा महसूस कर रही है, और इसीलिए मैं उसको बाहर पार्क ले आई हूँ ताकि जो है थोड़े बहुत झूले झूल के वो अच्छा महसूस करे। आर्या, तो आर्या का मूड था थोड़ा और झूला झूलने का, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने का, तो मैंने उसे छोड़ दिया और वो खेलने लगी। यहाँ पे उसने कई झूलों को झूलने की ट्राई की, लेकिन क्योंकि अभी वो छोटी है तो वो ज़्यादा झूल नहीं सकी, तो इसीलिए वो आसपास चीज़ों को देखने लगी। और देखने के साथ ही मैंने उसे कहा कि छोटी सी स्लाइड अगर वो लेके देखे, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, तो इसीलिए मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया। इसके बाद में हम गए सामने वाले बिल्डिंग के मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी नहीं आए थे और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कहीं पे भी जाके मंदिर को देखना कि उन्होंने कैसे बनाया है, वहाँ की वाइब्स कैसी हैं। वैसे तो मंदिरों की वाइब्स हमेशा ही मुझे अच्छी लगती है, या जो भी धार्मिक जगह होती है, लेकिन शिव जी के मंदिर जाके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ आर्या का थोड़ा सा घूमने का मन था और यहाँ पे ट्रैफिक कम था, तो इसीलिए हम यहाँ पे घूमने लगे। उसके बाद में हम अपनी बिल्डिंग में वापस आ गए और यहाँ पे आर्या को मैंने थोड़ा सा झूला झुलाया। और मैं यहाँ से बैठकर आर्या को कर रही हूँ सुपरवाइज। और ये है हमारी बिल्डिंग का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि आर्या ने काफ़ी अच्छे से खेल लिया। हम जो भी मंडी से लेके आए थे अब उसको धोने का टाइम था, और ये है पतीला जिसमें मैं इसको धोऊंगी। सब्जियों को मैं हमेशा धो के ही अंदर रखती हूँ, क्योंकि गॉड नोज कि वो मंडी में कैसे आई थी और कितनी मिट्टी वहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि मंडी में मिट्टी होती भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे पहले उन्हें धोती हूँ, फिर थोड़ा सा सुखाती हूँ, और फिर उसके बाद भी मैं उसको फ्रिज में स्टोर करती हूँ। मुझे यहाँ पे बीच बीच में आर्या को भी सुपरवाइज करना होता है, क्योंकि अब वो टॉडलर हो चुकी है तो कुछ भी कर सकती है। और ये है हमारा सेकेंड रूम, जहाँ पे आर्या अक्सर ऐसे खड़ी रहती है, क्योंकि अंदर उसके पापा बैठे हुए हैं और वो अपने पापा का इसी तरीके से वेट करती रहती है कि वो बाहर कब आएंगे और उसको प्यार करेंगे। सब्जियों के साथ में अब फ्रूट्स को भी धोने का टाइम है, तो हम इसको धोएंगे, उसके बाद में थोड़ी देर रख के इसको हम खाएंगे। आर्या को अंगूर काफ़ी पसंद है, तो इसलिए थोड़े से अंगूर मैंने उसको दिए, और देखिए वो कितने शौक से खा रही है। सो आज है डे टू, क्योंकि कल शाम को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और मेरी थकान का कारण देखिए कितना सुंदर सा है। आर्या की ये गेम फेवरेट है और वो उसको कई बार दिन में हमें लगा के दिखाती है, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि चीज़ों को इधर उधर रख देती है और फिर जो है कई ब्लॉक्स इसमें से गायब हो जाते हैं, बट स्टिल वो जो है इसमें से आपको लगा के दिखाएगी। आपको लगाने आते हैं सारे आरू? लाओ मैं लगा दूं, लाओ मैं लगाऊं, ये यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा नहीं, ओहो यहाँ लगना है, वेरी गुड। लाओ ये मैं लगा दूं, लाओ ये मैं लगा देती, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, अच्छा यहाँ लगना है, वेरी गुड, यहाँ लगेगा, वेरी गुड।
सो मैंने आर्या को फिर से ये दिया है, देखते हैं कि इतनी जल्दी लगा लेती है। इस तरह की गेम्स बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, एटलीस्ट उनकी जो माइंड बिल्डिंग का प्रोसेस होता है ना वो फास्टर होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप उन्हें एक बार सिखाइए और मतलब 2-3 बार और उसके बाद में वो बच्चे खुद करने लगते हैं। वैसे तो इसके पास और भी गेम्स है और इसने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन ये उसकी सबसे पहली गेम है तो इसके साथ थोड़ा सा अलग लगाव है इसको। ओ वाव, तो आज हम जो है थोड़ी सी कुकिंग करने वाले हैं, मतलब कुकिंग में भी मतलब एक टाइप का अचार मैं बनाने वाली हूँ जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और उसको बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें आर्या को थोड़ा सा सेटल करना है, अदरवाइज वो बीच बीच में आती रहेगी। और तब तक आप ये देखिए कि कैसे इस तरीके से इसने जो है यहाँ पे कलाकृतियाँ करनी शुरू कर दी है। यू नो टॉडलर्स, उनको बस कहीं से भी कुछ पता चल जाए कि ये चीज़ लिखती है, उसके बाद में तो वो पूरे घर का आपका जिम्मा लेंगे और उसका क्या हल करेंगे वो सब पेरेंट्स जानते हैं। और कुछ इस तरह का नज़ारा आपको जयपुर में अक्सर दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे इतने कबूतर हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। अब है डिनर टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी जो कि मैंने जल्दी से बनाई है और वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है, और इसके साथ में मैंने चावल भी बनाए थे और साथ में रोटी भी मेरे हस्बैंड के लिए। और ये थोड़ा सा दूध मैंने फाड़ा था क्योंकि एक्स्ट्रा था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाला गरम करके, और उसके बाद में मैं इससे बना रही हूँ पनीर। इस तरह का जो ऑप्शन होता है पनीर बनाने का बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि होममेड पनीर है, कोई ज़्यादा एडल्ट्रेशन नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है पनीर बनाने का। इस तरीके से कपड़े में इसको ले लीजिए, फिर एक्स्ट्रा पानी जो है आप निकाल सकते हैं, और उसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसको पनीर वाली शेप आए तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब टाइम है मोस्ट अवेटेड लाल मिर्च का अचार बनाने का, क्योंकि ये बहुत टाइम से वेटिंग था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हम बनाएंगे इसका अचार। उसके लिए क्या तैयारी करनी है और ये कितनी देर में बनेगा, जो भी प्रोसेस है वो आप मेरी आगे की वीडियो में देखिए। तो यहाँ इन मिर्चों का हमें निकालना है पहले आधा डंठल। मार्केट में जो अचार आता है ना उसकी लोग पूरे डंठल निकाल देते हैं अक्सर, लेकिन डंठल के साथ में इजी रहता है उसको कैरी करना, तो इसीलिए मैं सिर्फ आधा निकालती हूँ। और अब हम इसे इस तरीके से चीरा लगा लेंगे, और आधा चीरा लगाने से मसाला भरने में बहुत इजी हो जाएगा और वो अंदर तक चला जाएगा। और अब हमें करना है मसाला तैयार, जिसके लिए मैं खड़े मसालों को हल्की आंच पे भून रही हूँ, और ये है सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हमें इसे 1 मिनट तक भूनना है ताकि वो अच्छी सी जो खुशबू आती है ना पकने की वो इसमें से आने लगे, और देखिए बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे रखना है आपको। इस तरीके से मसाला पकने के बाद में आपको निकाल लेना है क्योंकि हमें इसको पीसना है, और उससे पहले हम राई को भी थोड़ा सा जो है रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद में हम इसे भी अलग प्लेट में निकालेंगे। देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, और इनको हमें भूनना है, लेकिन उससे पहले जो है हमें थोड़ा सा तेल गरम करना होगा क्योंकि तेल जब तक ठंडा होगा तब तक हम इन मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। इन मसालों को ज़्यादा नहीं पीसना है, सिर्फ 10-12 सेकंड काफ़ी होते हैं। देख लीजिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना मोटा होगा मसाला उतना ही खाने में अच्छा लगेगा। और अब हमें पीसनी है राई। ये रहा वो पनीर, इसके ऊपर हम भारी चीज रखेंगे और घर में सबसे भारी चीज चकला ही होता है, तो वो मैंने रख दिया है इस पे। तो हमारा तेल अच्छे से धुएं मारता हुआ गरम हो गया है, और अब हमें करनी है इसकी गैस बंद ताकि ये ठंडा हो जाए।
और अब मसाला फाइनली तैयार कर लेते हैं। तो जो मसाला मैंने बनाया था उन दोनों को पहले मैंने मिक्स किया, उसके बाद में नमक डाला, काला नमक डाला मैंने, और उसके बाद में जो है आप थोड़ी सी उसमें हींग डाल दीजिए टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और इसके साथ में आप डाल लीजिए हल्दी, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मिर्च भी मिला सकते हैं जो कि मैंने बाद में मिलाई थी। तो हमने जो तेल गरम किया था अब उसको मसालों में डालना है ताकि वो सूखा ना रहे, और मिर्चों में जब हम उसे डालें तो उसका और तेल का टेस्ट मिक्स आए उसमें। तो ये हमारा अचार हो गया है रेडी, ये कुछ दिन में बन जाएगा, तब तक मैं इसको ढक के रख दूंगी, और जब भी मैं इसको टेस्ट करूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो दिस वॉज माई ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।